शेयर इन एवरी ग्रुप। हाँ सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार शॉर्टकट सीरीज के अंदर। तो जैसे मैंने आपको कहा था यार, डेली लेक्चर्स आएंगे। एक बार शुरुआत होने की देर होती है और जब भी कोई काम को शुरू कर दिया जाए तो वो काम वहीं पर आधा खत्म हो जाता है। बहुत से बच्चे अभी भी डर रहे हैं कि मैं कैसे स्टार्ट करूं। ओके, तो बिल्कुल यार स्टार्ट कर दो। आपने स्टार्ट कर दिया तो वहीं आपकी आधी प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी, और स्टार्ट नहीं किया तो कभी खत्म तो होगा ही नहीं। शुरू किया नहीं तो शुरू करना ही आधा फिनिश करना है। देखो इतने दिन से मैं भी अटका हुआ था, सेटअप अभी भी हमारा लॉन्च नहीं हुआ लाइटिंग की वजह से, फिर भी मैंने बीच में टाइम निकाल के जुगाड़ करके लॉन्च कर दिया इस सीरीज को कि भाई कुछ भी हो जाए मैं जुगाड़ करूंगा। आगे पीछे करके 5-10 मिनट लेक्चर का टाइम यहां हुआ होगा, मैं सीरीज चालू कर देता हूं, स्टूडियो चलता रहे। ठीक है, अब मैंने स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है कि यार मैं आप लोगों से फिर से कनेक्ट हो गया हूं। तो चलो फिर लगातार बार बार शॉर्टकट सीरीज MSTCT 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए हम एक एक करके चुन चुन के इंटरेस्टिंग चैप्टर लाएंगे। उस चैप्टर के क्वेश्चंस को कैसे हम इजी तरीके से कर सकते हैं, देखो बच्चों 50 ही क्वेश्चन करने हमें, ओनली 50 क्वेश्चन इन मैथ, ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क, 100 में से 100 मार्क लाना है और 100 मार्क में से 100 मार्क आप ला सकते हो। चुन चुन के बूंद बूंद से सागर बनता है। आपने एक एक करके अगर 50 क्वेश्चन सही कर दिए तो कोई माइकल लाल तुम्हें रोक नहीं सकता 100 में से 100 लाने के लिए, क्योंकि हमारी जो टैगलाइन है इस बैच की, ये जो हमारा सीरीज है कि भाई जो हमारे टॉपर्स हैं टॉपर्स होंगे यहीं से। पिछले साल भी हमारी एक लगे वैसे टॉपर आए थे। मैथ्स की जिम्मेदारी मेरी है, मैथ्स में आपको कहीं कम नहीं पढ़ने दूंगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट कर दे। कल आपने देखा था एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, आज हम देख रहे हैं लिमिट्स। अब ये जो लिमिट्स के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, लिमिट्स के क्वेश्चंस अगर आपके बन गए लिमिट्स के क्वेश्चन, तो कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस भी आपके बन जाएंगे। ऐसे में 50 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन की तैयारी आज यहां से होने वाली इस लेक्चर से। आधे घंटे का लेक्चर होगा, बहुत लंबा आपको नहीं पकाऊंगा, कम टाइम में ज्यादा नॉलेज और ज्यादा कंटेंट देने की मेरी कोशिश रहेगी। यस, लिमिट, ये जो लिमिट है बच्चों, इस लिमिट से कितने क्वेश्चन आएंगे सर पहले बता दो। यार बेटा लिमिट, ये जो लिमिट है इस लिमिट चैप्टर से ओनली 1 क्वेश्चन आएगा, 11th का है। कोरोना काल में आपने अच्छे से नहीं पढ़ा था मुझे पता है, बहुत से बच्चों ने इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है। सर इस चैप्टर को जब भी हम देखते हैं ना तो इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। सर कितने फॉर्मूले याद करें, अरे छोटी सी जान है बच्चे की, जान लोगे क्या इतने सारे फॉर्मूले देखे। बेटा कोई टेंशन की बात नहीं है, इस चैप्टर के अंदर अगर कोई फॉर्मूले तुझे याद नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज याद रखना इस चैप्टर के अंदर कि डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, वो सिर्फ तुझे आना चाहिए। अगर उतना तुझे आ गया इस चैप्टर में तू छा गया, और लिमिट चैप्टर अगर तुझे आ गया इसके बाद एक और चैप्टर कंटिन्यूटी वो भी तुझे आ गया। तो आओ चलो इसकी इस चैप्टर के अंदर देखते हैं। मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं सिखाने वाला, मैं आपको 50 फॉर्मूले नहीं दूंगा। 11th में ऐसा होता है लिमिट का ये फॉर्मूला होता, कुछ नहीं दूंगा, जब देना था मैं दे चुका हूं। ओके, तो आओ हमारे 100 में से 100 लाने की तैयारी करने वाले बच्चों, यस सच्ची बोल रहा हूं, जो दिल से मुझे फॉलो करेगा यूट्यूब पर और हमारे ऐप के ऊपर, भाई देख होगा होगा, तुझसे नहीं होगा तो किससे होगा यार। 100 में से 100 लाना है, बस तेरा टारगेट रखो, तू कर सकता है। हाँ तू पिछले साल से लूज पड़ गया मुझे मालूम है, वो किस वजह से, सिचुएशंस की वजह से, कोविड की वजह से, ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से, जूम लेक्चर्स की वजह से, लेकिन तू आ जा तुझे एकदम ऑफलाइन जैसी फीलिंग मिलने वाली है। तो आ मेरे बच्चे चल शुरू करते हैं यहां पर। सबसे पहले कि हम देखेंगे जो लिमिट्स होता है बच्चों, जो लिमिट्स होता है इसके क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है। समझो आपको एक क्वेश्चन आता है LIMX 10 to 0, और यहां पर एक फंक्शन दिया है। बेटा फंक्शन कैसा दिया है, ये जो फंक्शन है इसकी बात कर दे, ये दिया हुआ है लिमिट एक्स टेन टू समझो 0, और यहां पर है 2x² + 3। तो ऐसे में आपको बताया कि अरे सर x की जगह 0 रख दो आंसर आ गया। बोले तो सर x की जगह 0, 0² 0 × 2 0 0 + 3 3 आ गया आंसर, 3 है सर, 3 है, ओके ओके बन गया। अच्छा ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0 मतलब x की जगह 0 रख दिया, आंसर हो गया, पक्की बात हो गया। लेकिन गड़बड़ तो तब होता है जब अपॉन में भी x आ जाए। अब क्या करेगा छोटे, फंस गया ना। अरे सर वही करो ना फिर, x की जगह 0 रख दो, क्यों x टेंड टू 0 है सर,
एक्स टेन टू जीरो बोले तो एक्स इज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो, वो इतने करीब है जितने मैं उसके करीब बैठता हूं, लेकिन बोल नहीं पाता उससे कुछ। अच्छा तुझे कॉलेज की याद आ रही है, इधर आ इधर आ। एक्स टेन टू जीरो मतलब एक्स जीरो के बड़ी करीब है, और ऐसे में एक्स की जगह डायरेक्ट जीरो हम रख सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। बट जैसे ही तू करेगा डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो ये हो जाएगी इनफिनाइट वैल्यू। इनफिनाइट वैल्यू किसी का डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर लिमिट करते समय अगर डायरेक्ट वैल्यू रखेगा और डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, न्यूमरेटर भले जीरो हो जाए चलेगा भाई, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे देखो घर बहुत से घर पे ना ऐसे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, लड़का रात को लेट आया ना तो माँ बाप को चलता है, लड़की रात को लेट आई ना नहीं चलेगा, कहाँ थी सात चार घर सांगितलं होतं कुठे गेली होती, म्हणजे अशी मानसिकता आहे मुलींसाठी। आणि मुलांसाठी काही केलं चालेल, तो अपने समाज में ये थोड़ा है, धीरे धीरे सब दूर हो जाएगा वो। तो वैसे ही न्यूमरेटर जीरो आया तो चलेगा, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। आया तो सर इनफिनाइट आ रहा तो क्या करने है? तो यू कैन नॉट पुट डायरेक्ट वैल्यू, आप लिमिट की डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते। बोले तो लिमिट की डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते सर, को सॉल्व कैसे होगा? ऐसा कैसे, तुमने केक लाके दिया, बोलते हैं ना काटना है ना बांट, ना काटना है ना चीरना है, बराबर बराबर बांटना है, चाकू तो लगेगा ना केक काटने के लिए, फंक्शन की वैल्यू वैल्यू तो रखना पड़ेगा ना। लेकिन क्या है यार, तू फंक्शन की वैल्यू रखेगा तो जीरो आ रहा है ना, नहीं रख सकते तो क्या करूं सर? तू कुछ तो फॉर्मूला लगा ना, 11th का इतना सारा फॉर्मूला लिमिट चैप्टर का, कोई तो फॉर्मूला ऐसा खींच के ले गया फैक्टराइजेशन ये वो करके। अरे हटा सावन की घाटा, सारे फॉर्मूले को बेच मारो, कोई फॉर्मूला नहीं लगाने का, तो सर सॉल्व कैसे होएगा? ये इधर आ एल हॉस्पिटल रूल। सर हॉस्पिटल में क्यों जा रहे, वाई टू गो हॉस्पिटल? कुछ हुआ ही का तुमको, बीमार है क्या, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? अरे नहीं रे, एल हॉस्पिटल रूल। रूल हॉस्पिटल का कौन सा रूल आ गया? तो भाई मेरे ये एक रूल है, ये एक तरीका होता है, एल हॉस्पिटल रूल। क्या होता है ये एल हॉस्पिटल रूल? क्या होता है? बोलता है यूज डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करो। अच्छा डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करना है, क्या होगा क्या? देखो ये क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन है बच्चा, इफ देयर इज एनी फंक्शन लाइक दिस एफएक्स अपॉन जीएक्स, कोई भी फंक्शन है उसके पहले लिमिट है एक्स टेंड टू जीरो या कुछ भी है, कोई फंक्शन है उसके पहले लिमिट एक्सटेंड टू जीरो या कुछ भी एक्सटेंड टू वन एक्सटेंड टू, जिसकी वजह से अगर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा हो तो। देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ऐसे पटेल ने ऐसे लेक्चर में आए ना चैट में, अरे आपने को तो पहले से आता है एल हॉस्पिटल रूल बाबा, कैसे अपन सीखेला है। लेकिन आज का लेक्चर बहुत जरूरी है, अगर तुम्हें आता है तो भी ध्यान दो बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ना ऐसा क्वेश्चन देखते अरे एल हॉस्पिटल रूल जिंदाबाद और लगा डालते हैं, बाद में आंसर गलत आता है, आंसर गलत कैसे आया? गलत क्यों आया? क्योंकि कुछ चीजें होती है वो ध्यान रखने का, समझ में आ रहा है ना? क्या ध्यान रखने का? एल हॉस्पिटल रूल तभी लगा सकते हैं जब ये डिनोमिनेटर में एक्स की डायरेक्ट वैल्यू रखने पे जीरो आवे तो ही, जबरदस्ती नहीं करने का। मतलब क्या कि समझो कि यहां पर ये करता हूं, एक मिनट, ये एक्स टेन टू है ना, इसको मैं चेंज करता हूं, ये एक्स टेन टू वन कर देते, अब इसको सॉल्व करना है, अभी सॉल्व क्या दो x टेन टू वन, x की जगह वन रखा तो वन, अरे डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है, हाँ तो रख दो वन, ऊपर x की जगह वन रखा, वन स्क्वायर वन, वन इंटू टू टू, टू प्लस थ्री फाइव, फाइव अपॉन वन फाइव, सर आ गया फाइव, सॉल्व। उसको ऐसे ही करना था, कोई एल हॉस्पिटल रूल लगाना नहीं था, बट मेरा बच्चा एकदम एक्सपर्ट, अरे सर अपन एल हॉस्पिटल करेगा, और जबरदस्ती कर दिया उसको, बोला नहीं 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 जबरदस्ती कर दिया, गलत आंसर आ जाएगा, फिर क्या करेगा? रोएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल लगाएगा तो क्या हो जाएगा, देख 2x स्क्वायर तो 4x, 3 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, x टेंड टू 1, x की जगह 1 रख तो 4 इंटू 1, 4 आ गया, आंसर पहले कितना आया 5, अभी कितना आया 4, अलग आया, चुकला, गलत हो गया, क्यों गलत हो गया बेटा? हाथ में तलवार दिया तो हमेशा ऐसा चलाने का नहीं, कभी कभी चाकू से काम होता तो चाकू चलाने का, तलवार नहीं चलाने का, चाकू काम नहीं करे तो तलवार चलाने का, समझा ना? तो यहां पर याद रखना है कि जब डिनोमिनेटर एक्स जीरो होता होगा देन ओनली यू विल यूज एल हॉस्पिटल रूल, बट तुमने तो सर बताया ही नहीं एल हॉस्पिटल रूल क्या है। अरे शांति रे, अरे बता रहा हूं ना बेटा,
बड़ा एक्साइटेड हो गया आज, क्या बात है, क्या कहा था श्याम। चल बेटे, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है एकदम ध्यान से देखना। जैसे मैंने कल एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के शॉर्टकट लिए थे, आज मैं लिमिट ले रहा हूं। ऐसे चुन चुन के सारे चैप्टर्स को, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स को पहले ले लेंगे, फिर जहां जहां जो चैप्टर में शॉर्टकट है सब लेने वाले, टेंशन मत लेना। एल हॉस्पिटल क्या करता है कि अगर कोई लिमिट है x टेंड टू समथिंग है, समझे 0 1 2 3 कुछ भी है, और कोई फंक्शन ऊपर है कोई फंक्शन नीचे है, कोई फंक्शन ऊपर कोई फंक्शन नीचे है, अपॉन है तो ही यूज करना। अगर सर यहां पर मुझे बता दो कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अपॉन नहीं रहा तो यू कैन नॉट यूज एल हॉस्पिटल। पहली बार सर होता क्या वो तो बताओ पहले। अच्छा ठीक है सुन, ये क्या कहता है कि भाई अगर तू x की वैल्यू यहां रख रहा है और डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर लेने का, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे लेने का, बात खत्म, और बाद में x की वैल्यू रखने का, फिर जीरो नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन 11th का कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। चल आज आप क्वेश्चन देखते, पटपट देखते, क्वेश्चन पटापट देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं अपने पास। द वैल्यू ऑफ लिमिट, भाई मेरे देख यहां पर बोला है कि एक क्वेश्चन है लिमिट का, लिमिट बोलता है x टेन टू 3 है, x रेस टू 5 माइनस 243 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9 है, बोला लिमिट निकाल वैल्यू क्या होगी, चार्ट में फटाफट डाल दे अगर तुझे आंसर आ रहा है। भाई तेरे दोस्तों को भी बता, कॉलेजेस के ग्रुप में शेयर कर दे लेक्चर, बहुत मेहनत से ले रहा हूं, पीडीएफ आ जाएगी कल का भी आ जाएगा। ओके यस, पीडीएफ आ जाएगा, कल का नहीं दिया था ना हमने, आ जाएगा, चलो पीडीएफ आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम ध्यान से देखो, आप लोग चैट में आंसर देने की कोशिश करो, ए बी सी डी में से क्या आएगा, हम लोग यहां पर 15 से 20 सेकंड में आंसर लाने की कोशिश करेंगे। 90 सेकंड आपके पास दिया होता है, 90 सेकंड नहीं जाना है इस चैप्टर के लिए, आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड देना है, 15 सेकंड में आंसर आना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट इस सेशन को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, सारे ग्रुप में शेयर कर दो फटाफट। ओके क्योंकि ये सेशन एकदम फ्री है आप लोगों के लिए, पता है इस सेशन को मैं चाहता तो आप लोगों के लिए पैड कर सकता था और जहां से मैं कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकता था, क्योंकि मुझे भी रेवेन्यू की जरूरत है, लेकिन मैंने जानबूझ के इस सेशन को फ्री रखा है ताकि महाराष्ट्र के सभी बच्चों को मैं ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकूं, उनको फायदा दे सकूं, और जो बच्चे कर चुके हैं करना चाहते हैं एक अच्छा, उनके लिए मैं लेकर आऊं, इसलिए मैं लेकर आया हूं। तो मेरी मेहनत के लिए प्लीज इस सेशन को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमें पहुंचना है, क्योंकि ये फ्री कंटेंट है, इसमें कोई पैसा नहीं देना है। अब देखो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, बच्चे फटाफट बी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, यस एकदम ध्यान से देखो बेटा। देख यहां पर आप पहले तो चेक करेंगे, देखो चेक करना जरूरी है यार, मैं तुम लोगों को कुछ भी बताता तुम लोग उसका मीम बना के यार शेयर कर देते हो, हैं? मैंने बताया था चेक करना जरूरी है, बैल है कि गाय है चेक करो, है ना, अगर गाय हुआ तो दूध निकलेगा, बैल हुआ तो कुछ और निकलेगा, भाई मीम बना के शेयर कर दिए, भाई ऐसा मत करो यार। ओके तो बच्चों देखो यहां चेक करना जरूरी है, चेक करना जरूरी है, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिनोमिनेटर को देखने का, x टेन टू 3 बेटा अगर x की जगह 3 रखा, 3 स्क्वायर माइनस 9, 9 माइनस 9 जीरो आ रहा है, डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है, ऐसे में आप x की जगह 3 नहीं रखेंगे, समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे आप, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर निकालो, x रेस टू 5 का डेरिवेटिव, बेटा x रेस टू 5 का डेरिवेटिव 5 टाइम्स x रेस टू 4, 243 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है, अपॉन x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, समझ गया खत्म, माइनस 9 का 0, ये x से 1x कट गया तो ये क्यूब आ गया। अब इसका x टेन टू 3 था, जहां भी x है ना बेटा उधर 3 रख दे, 3 क्यूब अपॉन 2, तो ये कितना आएगा 3 क्यूब, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 इंटू 5, देखो 5 इंटू 27 अपॉन 2 तो 135 अपॉन 2, तो है क्या, देख बेटा सी आंसर है, जितने भी सी चैट में बोला है वो सही है, जिसका सी नहीं बोला वो गलत है, सी नहीं बोला गलत है, 1500 के ऊपर बच्चे देख रहे हैं, लाइक 1000 है गलत बात, चीटिंग नहीं करने का यार, हाँ चीटिंग नहीं, फ्री दिया है, फ्री दिया है, लाइक मांग रहा हूं, ऐसा छूने का, ऐसा एक ऐसा रहता ना ऐसा, उसको टच करो ना, ऐसा टच करके नीला कर दो ना, यार इतना क्या आलसी करते है, एक बच्चा इतना आलसी था सो रहा है, नाक में मक्खी घूम रही है, कोई मेरे नाक से मक्खी उड़ा दो, अबे तेरा हाथ है ऐसे कर उड़ जाएगा, नहीं दूसरा कोई उड़ाएगा, इतना भी आलसी मत बनो बे। चलो आ जाओ अभी इसी तरह से और भी क्वेश्चन लेते, पटपट पटपट लेते हैं, यस फटाफट लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप करो भाई, 2021 के अंदर, अरे मेरे दोस्त 2021 के अंदर लिमिट का ये क्वेश्चन आया था, जहां पर हमको बोला कि ये के की वैल्यू निकालो, अरे कैसे करेगा दादा लवकर ये इकड़े। ओके 8 बजे का टाइम फिलहाल कंफर्म किया, 8 बजे रेडी रहने कहा, एकदम एकदम पटकन पटकन, एक बच्चा बोल रहा था सर का लेक्चर मैं बाद में देखूंगा रिकॉर्डेड,
और 2x की स्पीड में देखूंगा। मेरे दादा तू 2x क्या 1.25 पे भी नहीं देख पाएगा, तुझे नॉर्मल स्पीड पे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कम टाइम में ज्यादा देने वाला हूं। मैं खुद 1.25 या 1.5 की स्पीड से चल रहा हूं। ओके बच्चों, टाइम बहुत कम है, कंटेंट बहुत ज्यादा देना, इसलिए फटाफट आ जाओ। मैंने यहां बताया था x टेन टू 5, x की जगह 5 रखा, y माइनस y 0 होता है, डायरेक्ट x की जगह 5 नहीं रख सकते। एल हॉस्पिटल रूल लगा, इसको एल हॉस्पिटल करेगा, x रेस टू k है बेटा, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर निकाल, x रेस टू n का डेरिवेटिव n इंटू x रेस टू n माइनस 1 होता है। देख फटाफट करते, x रेस टू k का डेरिवेटिव k इंटू x रेस टू k माइनस 1 होगा। 5 रेस टू k में x नहीं है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा, नीचे x है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस 5 का डेरिवेटिव 0 होगा। ये 500 है, ये 500 है, अभी कुछ तो करना पड़ेगा कि आंसर 500 आना चाहिए। तो एक काम करते, देख बेटा यहां पर x की अलग अलग वैल्यू दी है, 3, 4, 5, 6, तो डायरेक्ट x की k की वैल्यू दी है, k की वैल्यू निकालनी ना, k की जगह पे पहले 3 रख के देखते हैं, तो 3 इंटू x रेस टू, ठीक है, अभी x की वैल्यू तो 5 है, इधर देखो x की वैल्यू यहां डायरेक्ट 5 दी हुई है, x टेन टू 5। अभी k की जगह अगर मैं 3 रख दूं तो 3 माइनस 1 2 है ना, k यानी 3, x यानी 5, k माइनस 1 डायरेक्ट वैल्यू 500 आता है, देखो 5 स्क्वायर 25, 3 जा 75, 500 नहीं आ रहा है, तो हमारा ये गलत है, ए गलत है। चल बी रख के देखते, 4 k की जगह 4 रखा और x तो हमारा 5 दिया है, k माइनस 1 4 माइनस 1 3, अभी 500 आता है, देख 5 क्यूब 125, 4 जा 500 आ गया, आ गया, आ गया, ये 4 सेटिस्फाई कर रहा है, सीधा बात खत्म, ऑप्शन मैच कर लेंगे, सीधा आ गया आंसर। देखा मैंने एल हॉस्पिटल कहां लगाया, मैंने ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर लगाया, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे लगाया, बाद में जहां भी x टेन टू 5 था x की जगह मैंने 5 रख दिया है, फिर हमें k की वैल्यू निकालनी थी। इस इक्वेशन में इस k के लिए चार वैल्यू दी थी, चारों में से वैल्यू पुट करके देखो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, किसको k की वैल्यू रखने के बाद 500 आ रहा है, वो मेरा आंसर होगा। भाई टाइम कम है, अपने को पटपट जाना है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इस तरह से कभी कभी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं लिमिट के अंदर मेरे दोस्त, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन यहां पर आ जाते, फटाफट देखो मेरे दोस्त। ओके, अपने दोस्तों में शेयर करो, सेशन को लाइक करो, आगे बढ़ते, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 8:30 बज गया, जल्दी से खत्म करते इस सेशन को। देख मेरे दोस्त यहां पर 11th के तरीके से करेगा, आधा पेज भर जाएगा, रेशनलाइज करेगा, ये करेगा वो करेगा, फलाना ढिकाना सब करते बैठेगा, 90 सेकंड का 4 मिनट लग जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। मेरे दोस्त तू एल हॉस्पिटल रूल लगा, एल एच रूल लगा, ओके, तेरे तो एल हॉस्पिटल रूल लग गए, तेरे तो एल हॉस्पिटल रूल लग गए, और ऐसा करने से ये क्वेश्चन कैसे सिंपल होगा देखना फटाफट। बेटा x टेन टू 3 है, पहले चेक करना जरूरी है, चेक करेगा तू x टेन टू 3, x की जगह 3 रख, 3 माइनस 3 0 होता है, डायरेक्ट नहीं रख सकता, एल हॉस्पिटल लगा देगा, एल हॉस्पिटल लगा देगा। बेटा रूट है, रूट x का डेरिवेटिव, ध्यान देना आप, मुझे डेरिवेटिव लेना है, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। बेटा ये देखिए रूट है, ये रूट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट जो भी था वो, लेकिन बेटा x की जगह दूसरा कुछ है, अगर x की जगह कोई और है तो उसका वापस डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये रूट 19 में x नहीं, उसका डेरिवेटिव 0 अपॉन नीचे x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0 यानी अपॉन में 1 आएगा, हटा 7 की घटा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिमिट x टेंड टू 3 है, अब x की जगह 3 रख दे बात खत्म। देख बेटा 1/2 रूट, x की जगह 3 रख, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 10 19, x की जगह 3 रखना है, 3 3 2 जा 6, 2 से 6 कट गया, 3 3 अपॉन रूट 19 किधर है चेक कर, आ हा हा हा। देखो डरने का नहीं, क्वेश्चन कैसा भी हो, जिसको लग रहा है मैं बहुत स्पीड में जा रहा हूं, रिकॉर्ड होने के बाद वो आधे स्पीड पे देख लेना, अपने YouTube में ये फैसिलिटी होती है कि स्पीड हम कम भी कर सकते हैं अगर सामने वाले का वीडियो बहुत फास्ट है तो। बेटा मेरे पास टाइम कम है, कम टाइम में ज्यादा कंटेंट देना, शॉर्टकट सीरीज है, और मुझे पूरा मालूम है कि आप लोग 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हो, आपको सब आता है, फिर भी यार ये स्पीड सही है, टेंशन मत लेना, अगर आपको लग रहा है स्पीड बहुत ज्यादा है मैं कल से स्पीड कम कर दूंगा। ओके अभी हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, यस मेरे दोस्त, ओके बने रहो, पगला काम करेगा अगला, आगे बढ़ते हैं। ओ सर अब तो मैं छोड़ दो, नहीं नहीं करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे ऐसा, कहते चीटिंग करते तुम सर, ऐसा कोई करते है क्या, पहले इजी क्वेश्चन देते बाद में ऐसा हार्ड हार्ड क्वेश्चन देते, तुमको समझता है क्या, तो क्या चाहिए क्या, तू बाबू है, फोर्थ में पढ़ता है, फिफ्थ में पढ़ता है, इजी क्वेश्चन चाहिए, 2+3 चाहिए, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आया बड़ा इजी क्वेश्चन चाहिए, अगर सीटी से ले वो ढूंढ ढूंढ के निकालेगा क्वेश्चन, तू सॉल्व करेगा गलत आंसर रहेगा ना वो भी इधर देता है, तू गलत करेगा ना तो तेरा आंसर है, बोला अरे सही मेरा यही आया, ऐसा ओके इधर है वापस, इतना भी हार्ड क्वेश्चन रहेगा करेगा, डरने का नहीं, कैसे करेगा सर, अरे एल हॉस्पिटल रूल जिंदाबाद ना बोला ना तेरे को, एल हॉस्पिटल रूल क्या है वो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर लेने का ना नीचे का डेरिवेटिव नीचे लेने का, पहले चेक तो करो, x की जगह 0 रखो, 3 इंटू 0 0 टेन 0 0
जीरो प्लस जीरो जीरो, अरे जीरो आ रहा है सर, जीरो आ रहा है। ओके अभी यहां पर ध्यान दो, संकेत भाई स्पैम कर रहा है, तेरे लग गए तो हम क्या करें बेटा, संकेत इधर दुनिया को क्यों बता रहे तेरे लग गए, ऐसा मत कर बेटा, वापस आ, हम लोग सवाल के एलएच लगा रहे, एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे, तेरे एल लग रहे, मैं क्या करूं, बेवकूफ इधर चैट में बता रहा है गधेड़ा। चलो यहां देखो, यहां पर ऊपर लेते, सीधी सी बात, नो बकवास, फोर साइंस पर देखो बेटा, फोर है ये, टू आ गया, जाओ फोर टू जा एट, फोर टू जा एट साइन एक्स, फिर साइन एक्स का अगेन डेरिवेटिव कॉस एक्स, जो आता आने दो, ठीक है, प्लस टू एक्स कॉस एक्स, ओ दादा ये टू है, टू को रखो, ये देख ये एक्स कॉस एक्स है ना, यू इंटू वी लग जाएगा, ये एक्स कॉस एक्स है तो यू एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ओके ध्यान से देखना, फिर प्लस कॉस एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव वन, जो आता आने दे, कोई डरने का नहीं कुछ, नीचे देख बेटा, थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री, प्लस टेन का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर थ्री एक्स, और थ्री एक्स का अगेन डेरिवेटिव थ्री इंटू थ्री, जो आता आने दे, टेंशन मत लेना। अब देख यहां लिमिट एक्सटेंड टू जीरो था, अभी तक क्या किया सर, इतना बड़ा कैसे आ रहा है, अरे कैसे क्या आ रहा है, डेरिवेटिव लेगा तो आएगा ही ना उतना बड़ा, उसके बाद क्या करेगा मेरे दोस्त, अरे जहां पे भी एक्स है उधर जीरो रख, पहले डिनोमीटर देख, एक्स जीरो डिनोमीटर थ्री, सेक्स जीरो क्या होता है देख, कॉस जीरो क्या होता है वन, तो सेक्स जीरो भी वन, तो थ्री प्लस वन इंटू थ्री थ्री सिक्स आ रहा है, चलेगा हो गया। अब डायरेक्ट एक्स की जगह जीरो रख दे, वैल्यू देख के आ रहा है एट, साइन जीरो जीरो है ना, एक्स जीरो रखना है ना, साइन जीरो जीरो, ये पूरा जीरो हो गया खत्म, तू चल निकल, आया बड़ा एट, चल ये माइनस है एक ना, जीरो माइनस टू, अभी देखो एक्स की जगह जीरो रखना है, एक मिनट गड़बड़ हो रहा है कुछ तो, हाँ चलो कुछ नहीं, गड़बड़ नहीं है, ये टू है, यहां पर प्लस है टू है, टू बाहर रखो, एक्स एक्स जीरो रखा, जीरो इंटू साइन जीरो जीरो, चल निकल, ये जीरो हो गया पूरा, प्लस कॉस एक्स, एक्स की जगह जीरो रखो, कॉस जीरो वन होता है, देख ये पूरा जीरो हो गया, एक्स जीरो इंटू साइन जीरो हो गया, कॉस जीरो वन हो गया, डायरेक्ट लिखने का नहीं, ज्यादा लिखने का नहीं, मन में करने का आधा, आपने बस 15 20 सेकंड 30 सेकंड में करना है, पता है ना, तो ये आ गया अपॉन में, ये देखिए आया थ्री सेक्स जीरो, देख एक्स जीरो रखा, एक्स जीरो थ्री इंटू जीरो जीरो, सेक्स जीरो वन होता है, कॉस जीरो वन सेक्स जीरो वन, वन का स्क्वायर वन, वन इंटू थ्री थ्री, तो ये थ्री आ गया, देख बेटा टू इंटू वन टू, टू प्लस जीरो टू, थ्री थ्री सिक्स, कट कट वन थ्री जा टू थ्री जा सिक्स, वन अपॉन थ्री आया, देखा है क्या किधर, अरे आला रे आला, अरे कोण म्हणता येणार ना इकडे या, अरे मुलांनो काय म्हणताय या लवकर, अरे ए उत्तर बघा, एवढा मोठा प्रश्न केवढा सोपा उत्तर, देखो आप जब डेरिवेटिव लोगे ना तो आपको लगेगा अरे 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 बाबा 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 केवढा मोठा प्रश्न, अरे काय ना इकडे घे, नंतर ही व्हॅल्यू ठेवायची, व्हॅल्यू ठेवली की आपल्याला लगेच उत्तर भेटतंय, ऑप्शन मध्ये बघायचं आणि डी वर असं माऊसने पॉइंटरने टिक करायचं। चला पुढे घेऊया, आपले मित्र सर आलेले आहेत, बारावीचं लेक्चर आता होणार आहे, त्याआधी आपल्याला संपवायचं आहे पटकन, ओके पटकन करूयात, 15 सेकंड बोलाय सर आपने, कितना टाइम लेते, ओ सॉरी भाई सॉरी भाई, देखो x टेंड टू e, x की जगह e रखा, e माइनस e जीरो हो रहा है, ओ दादा जीरो हो रहा है, यू कैन नॉट कीप पुट डायरेक्ट वैल्यू, एल हॉस्पिटल करो एल हॉस्पिटल, तो चलो लॉग x का डेरिवेटिव वन अपॉन x, माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो अपॉन x का डेरिवेटिव 1, e कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0, मतलब 1 अपॉन x ही आया, अभी x टेन टू कितना है, यहां पर x टेन टू e है, x की जगह e रख दो 1 अपॉन e, कुठे आहे कुठे नेऊन ठेवलं उत्तर आपलं, हे बघा b मध्ये आहे, b आ गया, बस ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है मेरे दोस्त, अरे देख देख आ गया मेरा भाई, छा गया यस, देख देख आ गया, ओ सर अभी इन्फिनिटी वाला है, इससे तो डर लगता है हम लोग, तुम एल हॉस्पिटल बुलाए चलेगा बताए, ये इन्फिनिटी वाले से डर लगता है सर, बोले क्यों रे तेरे को इन्फिनिटी से डर, इन्फिनिटी वाला सॉल्व ही नहीं होता ना सर, इन्फिनिटी दो दो क्वेश्चन तुमने लिया है, हाँ चल आ जा, देख इन्फिनिटी का ट्रिक क्या है, लिमिट एक्सटेंड टू अगर कभी इन्फिनिटी दिख जावे, वन अपॉन एक्स का पावर कुछ भी होवे, यानी एन की जगह पे टू है थ्री है फाइव है शंबर दोनचे हजार लाख काहीच असेल, उत्तर जीरो येत आहे, हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, लक्षात ठेवा, टाइम आहे का विचार करा पक्का, उत्तर जीरो येणार, केव्हा एक छेद एक्स रेस टू एन असेल आणि लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी असेल तेव्हा याचं उत्तर नेहमी झिरो येणार, पण सर इथे असं नाही आहे, तसं असेल तर आपण झिरो लिहितो, तसं आहे का इथे नाही, ओ हो हो बरोबर म्हटलं, सही बोला ये तो नाही आहे क्या करें, अरे मेरे दोस्त नाही आहे ना तो करके ला पैसा ला, कैसा लागेगा सर देख
x tend to infinity समझ जाने का मुझे 1 upon x raise to n लाना है, सीधी बात, देख 2x plus 3 raise to 45 है, ध्यान से देखिए, अरे मुझे नहीं रहे क्वेश्चन को, देखो 2x plus 3 raise to 45 है, आपको x raise to 45 को पकड़ना है, बात खत्म, इधर भी देखो 2x plus 1 raise to 40 है और ये 5, यानी आप क्या करेंगे x raise to 45 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, देख बेटा 2x plus 1 raise to 40 है और यहां पर 4x minus 1 raise to 5 है और अपॉन में देख बेटा 2x plus 3 है raise to 45 है, क्या करेगा raise to 45, मैं पूरे को x raise to 45 से डिवाइड कर रहा हूं, सर इधर तो 40 और 5 है तो ठीक है ना, इसको फोड़ दे, दो बार कर दे x power 40 x power 5, अच्छा हाँ बच्चा इधर आ, देख इनफिनिटी है इसलिए ऐसा करेंगे, अब ये x को अंदर घुसेड़ दे ब्रैकेट के, x को अंदर घुसेड़ दे, x को अंदर घुसेड़ दे, समझ रहा है, अब ये x अंदर जाएगा, दोनों का पावर 40 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन x, यानी 2 आ गया, प्लस 1 अपॉन x रेस टू 40, ध्यान से देखिए इनटू है, इनटू है, सॉरी सॉरी गाइस, इरेजर चलो अभी इनटू है, गुणाकार है, अभी देख ये 4 ये 5 है ना, दोनों का कॉमन हो गया बेटा, आई था 5 कॉमन, दोनों का पावर मत देख, ये x गया 4x अपॉन x 4 माइनस 1 अपॉन x, भगा 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 कसम कराई तो भगा, शॉर्टकट है भगा, अभी दोनों का 45 पार में गया बेटा, 45 पार में गया, देख ओके 2x अपॉन x 2 आया प्लस ये देख 3 अपॉन x, क्या किया सर तुमको, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम अकेले करे जा रहे हो, सॉरी भाई सॉरी भाई, इधर ध्यान दे, ये देख हाईएस्ट पावर कौन सा है 45, इधर भी 40 और 5 है, तो x raise to 40 से 45 से डिवाइड करने का, ऊपर नीचे नीचे किया सर, ऊपर हमने 45 को टुकड़ा किया, x raise to 40 और x raise to 5, अभी ये दोनों का पावर 40 है ना, दोनों का पावर 40 कॉमन ले लिया, तो ये अकेला x है ना, वो अंदर जाके ना घुसपेटिया घुसपेट कर दिया, 2x upon x, x x हट के 2 आ गया, 1 upon x, x आ गया डायरेक्ट, अभी क्या करने का, देख बेटा लिमिट x tend to infinity था, अभी ये अंदर जाएगा, जो भी 1 upon x रहेगा चुन चुन के सबको जीरो कर देगा, चुन चुन के क्या करेगा सबको जीरो, बगा बगा हे झालं जीरो, हे पण झालं जीरो, हे पण झालं जीरो, ज्याच्या छेद मध्ये x असेल, जिसके बटे में x होगा, जिसके अपॉन में x होगा वो जीरो हो जाएगा, ये सब जीरो हो गए, तो ये बच गया 2 plus 0 2 raise to 40, 4 minus 0 4 raise to 5, 2 plus 0 2 raise to 45, अब इसको सिंपलीफाई करो आपका आंसर आएगा, अरे सर कुछ अलग ही आ रहा है, अरे तो सिंपलीफाई तो करना है, अलग आ रहा है बड़ा, ठीक कर रहे हैं, ये देखो 2 raise to 40 से ये 40 से 45 कटेगा तो 5 आ जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, अब ये 4 raise to 5 है, 4 raise to 5 क्या होता है 4 4 4 4 4 5 बार, ठीक है, नीचे 2 raise to 5 आ गया, 2 5 बार, समझे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 चौक 16 दूने 32, आया ना सी ऑप्शन सही, कुछ हार्ड लग रहा है, इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन भी तू करके आएगा, ओके इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन भी तू करके आएगा, अरे लवकर लवकर, आता पुढे एक प्रश्न तुम्हाला देतो है पटकन बघा, इकडे देखो अगला क्वेश्चन, सर जरा 12th का लेक्चर 45 कर दो, हाँ देखो बच्चों सातवां क्वेश्चन बस खत्म हो रहा है, 5 मिनट लास्ट के, देखो यहां पर, अरे दादा सर वापस से आ गया x raise to infinity, सर छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, क्या दो मार्क तो चलेगा, ए पागल है क्या, इधर है छोड़ दो बोलता है, क्वेश्चन देखाने का छोड़ दो बोलता है, हैं उसको पहला करने का टफ रहेगा, उसको डरने का ना क्वेश्चन देख के, समझा क्या, इधर आ जा, देख कैसे करेगा सर तुम बोल रहे, बट करेगा कैसा, ये देख इधर x raise to 10 है ना, नीचे और ऊपर x raise to 10 से डिवाइड कर, देख ये x raise to 10 है ना, तो इसको x raise to 10 से डिवाइड करेगा, ध्यान से देख शॉर्टकट कर रहा हूं, तो x raise to 10 अपॉन x raise to 10 1 मन में करने का, 10 raise to 10 अपॉन x raise to 10 तो 10 अपॉन x दोनों का raise to 10, ये दोनों के नीचे ये लाया रे, x raise to 10 से डिवाइड किया, नीचे किया तो ऊपर करते, ऊपर करेगा सबका प्लस है, सबके अंदर जाएगा, तो ये x raise to 10 है, ब्रैकेट में देख पावर 10 है, तो ये x उसको x से डिवाइड होगा, 1 होगा प्लस 1 अपॉन x raise to 10, क्या किया सर एक्चुअल में हमने x raise to 10 से डिवाइड किया, बट ऑलरेडी वो x raise to, एक करके दिखाता हूं, x plus 1 raise to 10 है बेटा, उसको x raise to 10 से डिवाइड किया, दोनों का यू पावर 10 था, ऊपर ले लिया,
x प्लस वन अपॉन x कर दिया, ये x को दोनों के नीचे लिखा, x अपॉन x वन, वन अपॉन x, ये ऐसे पावर 10, समझ गया ऐसे करने का। तो ये आ गया, देख डायरेक्ट कर दिया, अभी इसको भी ऐसे ही कर दे, x अपॉन x वन और ये 2 अपॉन x रेस्ट टू 10, और लास्ट में टिम्ब 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 क्या आएगा देख, लास्ट में हे x अपॉन x वन आणि प्लस 100 छेद x रेस्ट टू 10। आता बघा मी काय सांगितलं होतं तुम्हाला की x टेंड टू इन्फिनिटी म्हणजे जिथे जिथे एक 1 अपॉन x असेल ते 0 करायचं, काय करायचं बाळांनो 0, मग कसं करणार बघा, हा झाला 0, हा 0, हा 0, सर्व 0 झाले, राहिलं काय 1, 1 रेस टू 10, एकाचा पावर किती असेल 1 असतो, प्लस 1 रेस टू 10 1 प्लस टिंब 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 शेवटी 1, किती वेळा आला बघा 1 2 3 4 नंतर 100 म्हणजे 100 वेळा 1 आलाय बघा, 100 टाइम्स 1 आ गया, नीचे 1 प्लस 10 अपॉन x मतलब ये भी x टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे, अच्छा ये 0 हो जाएगा है ना, 0 रेस टू 10 0, यानी ये 1 आ गया, ये 1, ये 0 हो गया, जिसको व्हाइट सर्कल किया वो 0 हो गया, व्हाइट सर्कल वो 0 हो गया क्योंकि जिसके भी अपॉन में x है वो 0 हो गया, ये बच गया 1 1, ऐसे 100 बार 1 प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा, और नीचे ये 1 बच गया, 100 अपॉन 1 100, तो आंसर डी कंफर्म है, खत्म। यानी बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो, बड़े से बड़ा क्वेश्चन इन्फिनिटी वाला, आपको सिर्फ अपॉन में एक्स लाना है, बात खत्म, बात खत्म, एवढंच, इतने में इतना ही मिलेगा। अभी 2021 में देखो, 2021 का एक क्वेश्चन लेता हूं, 2021 का क्वेश्चन लेता हूं, और 22 सितंबर शिफ्ट 1 का क्वेश्चन आया, ध्यान से देखना, हमारी जो टॉपर्स बैच में उसमें मैं ये पूरा सिखा चुका हूं, टॉपर्स बैच हमारी जो 6:30 से 8 बजे चलती है, 6:30 से 8 बजे हमारी टॉपर्स बैच चलती है दिनेश सर ऐप के ऊपर, एंड एक एकलव्य टॉपर्स बैच है जो रिकॉर्डेड है, जल्दी से बैटरी चेंज करते हैं, ओके, वहां पर मैंने सारे के सारे 2021 के 11th के मैक्सिमम सिखा दिए हैं क्वेश्चन, और 12th के अभी चालू है सब, डिफरेंशिएशन एओडी आज हुआ था, तो आप लोग को अगर आना है वहां टॉपर्स बैच में आ सकते हो दिनेश सर ऐप के ऊपर, यहां पर ये शॉर्टकट सीरीज फ्री में चलती रहेगी, ओके। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखो कैसे हम लोग जो है इस क्वेश्चन को, इन्फिनिटी नहीं है, एल हॉस्पिटल रूल कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, देखो एक्स टेंड टू जीरो पहले चेक करना जरूरी है, 0 स्क्वायर 0 डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, डेरिवेटिव लो, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, सर एक्स के बदले एम एक्स है तो ठीक है, एम एक्स का वापस डेरिवेटिव एम, एम से मल्टीप्लाई किया, माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस यानी माइनस माइनस प्लस साइन एम एक्स, सर एक्स के बदले एम एक्स है उसका डेरिवेटिव एम, एम से मल्टीप्लाई किया अपॉन, नीचे एक्स स्क्वायर है सर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, हो गया, चलो चलो अभी x की जगह 0 रखने का, ए रुक 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 ए रुक, हाय हाय नहीं बड़े पोपड़ा, ए बागा, x की जगह 0 रखेगा, इधर आ इधर आ, ये देख x की जगह 0 रखेगा 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 0 0, अभी भी डिनोमिनेटर 0 ही आ रहा है, नहीं होएगा सर, एल हॉस्पिटल रूल गलत हो गया, कैसे, किधर देखो ना किधर हो रहा है, 0 आ रहा है वापस से, 0 जाना चाहिए ना, एक काम कर इधर वापस कर देना, जरूरी नहीं है एल हॉस्पिटल रूल एक बार कर सकते, एक ऑपरेशन करने का, ऑपरेशन फेल हो गया तो सॉरी नहीं बोलने का, वापस वापस आओ दूसरा ऑपरेशन करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाया नहीं सॉल्व हुआ, वापस एल हॉस्पिटल रूल करो, जितनी बार चाहिए उतनी बार कर सकते, फिर से डेरिवेटिव ले लो, अच्छा हाँ देख एम माइनस एम, साइन का डेरिवेटिव कॉस और एम एक्स, सर एक्स के बदले एम एक्स है उसका वापस डेरिवेटिव एम, एम का मल्टीप्लाई किया एम इंटू एम, एम स्क्वायर प्लस एम, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स के बदले एम एक्स है, एम एक्स का वापस डेरिवेटिव एम, एम वापस मल्टीप्लाई किया एम स्क्वायर अपॉन 2x का डेरिवेटिव 2, अब रख अभी लिमिट x टेंड टू 0, अभी देख x तो है ही नहीं, अब बता कैसे 0 होगा, यहां तो 2 इंटू x 0 हो रहा था, अब नहीं है ना, अब डिनोमिनेटर में 2 फिक्स है, x है ही नहीं, गायब हो गया, सर ऐसा कर सकते, एक बार डेरिवेटिव पहले लिया था सर ऊपर नीचे का, वापस लेंगे, अरे चलता है, 37वीं बार भी कर सकते क्या, हाँ तीसरी बार भी कर सकते, चौथी बार भी कर सकते, पर कितनी बार करेगा भाई, अगर कोई कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहा ना एल हॉस्पिटल से तो उसको फिर उसके 11th के फॉर्मूले ट्राई करने का, वो इजी आ जाता है, चलो कोई बात नहीं, इधर करके देखते, देख बेटा अभी x की जगह 0 रख दे, देख cos 0, cos 0 क्या होता है 1, ये पूरा क्या हो गया 1, तो बच गया माइनस एम स्क्वायर, फिर cos x की जगह 0, 0 इंटू एम 0, cos 0 1, 1 इंटू एम स्क्वायर, एक मिनट n था क्या, अरे यार यहां पर n है, एक मिनट, हाँ यहां पर है ना मैंने m लिख दिया, एक मिनट यहां पर है ना मैंने m लिखा ना, ये n था, हाँ
अरे इधर तो एम था, इधर एक मिनट, हाँ गड़बड़ हो गया मैंने उसकी जगह पे, ये देखो ये एम बराबर था, ये एन था और ये एन स्क्वायर, एन और एन, ठीक है। अब देखो ये जीरो हो गया, अभी कॉस जीरो, जीरो इंटू वन जीरो कॉस जीरो वन, वन इंटू एन एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर आया अपॉन नीचे टू आया, बताओ कौन सा ऑप्शन है, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन टू, यस सी ऑप्शन इज राइट, समझ रहे हैं सी ऑप्शन इज राइट, आ रहा बच्चों, यस यस हाँ एन एन, मुझसे मिस्टेक हुआ सॉरी भाई, माफ कर दो भाई, एम को एन लिख दिया, सॉरी सॉरी भाई, होता है होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है सेनोरिटा। चलो शेवट का प्रश्न आज का, आज का आखिरी क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन बता रहा भाई, मैंने पूरा टॉपर्स बैच में ये चैप्टर करा दिया, 11 के सारे 10 चैप्टर हो गए, 12 के चालू है, ओके ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बता रहा हूं, कैसे आप पल भर में इसको दे दोगे आंसर। देख अगर x की जगह 1 रखेगा नीचे डिनोमिनेटर log 1 होता, log 1 0 होता, डिनोमिनेटर 0 रहा, डायरेक्ट नहीं रख सकता, एल हॉस्पिटल रूल लगा, ऊपर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 अपॉन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, खेल खत्म, पैसा आज हम वैल्यू रख दे, x टेन टू 1 है, देख इधर बेटा जहां भी x है 1 रख दे, खत्म, x की जगह 1 रख दे, 1 अपॉन 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, खत्म, 1 अपॉन x की जगह 1 रख 1, अरे 1 अपॉन 1 1 ही होता है, 1 अपॉन 2 आ गया आंसर सीधा, 20 सेकंड में आंसर है 1 अपॉन 2 सर आ गया, ये 2021 के क्वेश्चन ऐसा शॉर्टकट करेगा ना, ऐसा शॉर्टकट करेगा ना, एकदम इजी है, एकदम इजी, देख इजी है कि नहीं, है ना इजी करेगा भाई, और मेरे पहले बच्चे चार्ट में आंसर दे रहे, यार मजा आ रहा है कि नहीं, बोले बताओ यार मजा आ रहा है कि नहीं यार, एकदम रेड फ्लावर की बौछार कर दो रोज की, आई वॉन्ट रोज फ्रॉम यू, वैलेंटाइन डे नहीं है फिर भी मुझे लाल गुलाब चाहिए और लाल हार्ट चाहिए, ओके भेज दो यार, मैं एक महीना तुम्हारे लिए मेहनत करने वाला यूट्यूब पर जम के, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक लाल गुलाब या लाल हार्ट भेज दो, चैट को पूरा लाल लाल कर दो, अगर आपको जरा सा भी अच्छा लग रहा है, मजा लग रहा है, आपको लग रहा है कि एक एक पूरे महीने सीटी एग्जाम तक ऐसा चलना चाहिए, सर का गाइडेंस मिलना चाहिए मिथिलेश सर का और मेरा, तो इस चैट सेक्शन को पूरा लाल लाल कर दो, यहां पर आज हमने बहुत मजेदार तरीके से सेशन लेने की कोशिश की है, ओके अभी ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं 2021 का है, आप खुद से कर लोगे मुझे पूरा भरोसा है, चैट सेक्शन को पूरा लाल कर दो एकदम, यस ये हुई ना बात, एकदम लाल गुलाब बिना वैलेंटाइन डे के, अरे कह दो उनसे, कह दो हुस्न वालों से कि तुम लाल गुलाब लेके एकदम नखरे दिखाते हो, दिनेश सर के चैट सेक्शन में आओ, पूरा गुलाब पूरा चैट सेक्शन ही लाल है, ओके चलो यहां पर आ जाओ बच्चों, 2021 का ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसको भी आप एल हॉस्पिटल रूल से कर लेना, बहुत इजी हो जाएगा, ओके यहां पर देखोगे एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1 का 0, ए कांस्टेंट है, बी रेस टू एक्स का डेरिवेटिव बी रेस टू एक्स इंटू लॉग बी होता है, ए रेस टू एक्स के साथ बी कांस्टेंट है, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स लॉग ए होता है, अब यहां पर ये इतना तो मैंने हिंट दे दिया है, यहां पर आप एक्स टेन टू 1 है, एक्स की जगह 1 रख दो, बात खत्म, चैट पूरा लालमय वातावरण हो गया है, आपके दिल को मैं बहुत संभाल के रखूंगा बच्चों, ओके इसी तरह से प्यार बनाए रखो और डेली आया करो, फ्री लेक्चर हमारे यूट्यूब पर एक महीना चलेगा ये शॉर्टकट सीरीज, तो इसके आगे आप एक्स की जगह 1 रख दो आपका आंसर आ जाएगा, ये 2021 के 24 सितंबर शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है भाई, अरे मैं बता रहा हूं तेरा कंटिन्यूटी भी तैयार हो गया, लिमिट भी तैयार हो गया, तेरे 4 मार्क आज के सेशन से पक्के हो गए, अरे 50 क्वेश्चन करने 2 क्वेश्चन बन गए, अब तेरे को 48 क्वेश्चन का टेंशन लेना है, ठीक है तो चलो चलना पड़ेगा क्योंकि हमारे 12वीं के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, काफी लेट हो गया उनका लेक्चर जो है रुका हुआ है, 12वीं का लेक्चर रुका हुआ है, बस 2 दिन और मंडे से हमारी कंफर्म दूसरे नए स्टूडियो को हम चालू कर देंगे, लाइट्स जो इशू हो रहा है वो चला जाएगा। हाँ आपको एक बात और बतानी थी यार, जिन बच्चों को पता नहीं है कि ये सारे जैसे ये मैं PYQ बता रहा हूँ वो सोच रहे हैं कहाँ से मिलेगा, तो टेंशन बिल्कुल मत लो, ये देखो पूरे 2004 से 2021 तक के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अवेलेबल कर दिए हैं, 2004 से 2021 डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे दिनेश सर ऐप की, उस ऐप पर एकदम कैटेगरी वाइज जो चाहिए वो एकदम ओके, एक छोटा सा अमाउंट है 21 रुपीज का, जिसको चाहिए परचेज कर सकते हो, पूरे महाराष्ट्र के 5000 से ज्यादा बच्चों ने ले लिया उसको, तो आप उसको ले सकते हो, काफी कम दाम में है वो फ्री ही देना था मुझे, मैंने सब कुछ फ्री दिया है, बट इसका कॉपीराइट हमें हमारे पास रखना था, उसके वजह से हमने एक छोटा सा अमाउंट उसको लगाया है, तो आप वहां से PYQ ले सकते हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि जैसा अभी लेक्चर देख रहे हैं सर फ्री में इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो अगर सर पैड लेंगे तो पैड में क्या पढ़ाएंगे, सोचो सोचो, अगर सर फ्री में इतना अच्छा कर रहे हैं तो पेड बैच में क्या होता होगा, तो अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी हमारे टॉपर्स बैच में नहीं आए, तो आपको बता दूं हमारे ऐप के ऊपर टॉपर्स बैच चल रही है, 2021 के पूरे
10 पेपर जो है सॉल्व करा रहे पूरे बेसिक कंसेप्ट के साथ, 8 मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही है वहां पर, डाउट सेशंस होने वाले हैं वहां पर, और बहुत सारी चीजें वहां पर मिल रही है। और ये सारे जो पीडीएफ है वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है, डीपीपी मिलते हैं 20 क्वेश्चन हर चैप्टर के, उसके सॉल्यूशंस मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, पूरा जो कोचिंग क्लासेस में 40-50 हजार रुपए की चीज होती है वो यहां पर है, ठीक है। और इसके साथ ही जो वो नहीं ले सकते उनके लिए रिकॉर्डेड बैच भी चल रही है, एकलव्य टॉपर्स रिकॉर्डेड बैच ऑन द ऐप, जो थोड़ा सा कम प्राइस में है, यहां पर लाइव लेक्चर नहीं देख सकते एकलव्य टॉपर्स में, और यहां पर लाइव लेक्चर का लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए जो यहां 20-30 हजार, 40 हजार, 50 हजार लगा के कोचिंग ढूंढ रहे हैं अच्छी और नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई आ जाओ। हाँ, और जो बच्चे फ्री में सीखना चाहते हैं यूट्यूब पर मैंने सब कुछ फ्री दिया, और ये शॉर्टकट सीरीज में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कुछ ऐसे 2021 के जितने भी पॉसिबल हो शॉर्टकट सीरीज में मैं क्वेश्चन लूंगा आप लोग के लिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यूट्यूब पर मेरे सारे फ्री लेक्चर अवेलेबल है, मैराथन लेक्चर अवेलेबल है, वो देखते रहिए। ओके, 25 जुलाई के बाद से हमारे मैराथन लेक्चर्स आएंगे, 10 दिन के अंदर हम मैराथन लेक्चर लेके आपका पूरा रिवीजन कराएंगे जो फ्री होगा। मैराथन लेक्चर्स विल बी फ्री ऑन यूट्यूब ओनली, बिल्कुल टेंशन मत लेना। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल वापस एक नए चैप्टर के साथ। रोज आया करो, अपने दोस्तों को बताया करो। बाय एवरीवन, टेक केयर, सेशन को लाइक।